नमस्ते, गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। सज्जन भाई इंफोटेक चैनल में स्वागत है। आज के इवनिंग सेशन ज्योग्राफिकल क्लास में हम देखेंगे केरला राज्य के जिले संख्या, उनके नाम तथा हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। डिटेल जानने से पहले आइए एक झलक देख लेते हैं केरल जिले के बारे में। भारतीय राज्य केरल की सीमा पश्चिम में अरब सागर तट से, दक्षिण और पूर्वी में तमिलनाडु से, उत्तर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक से लगती है और माहे जिला केरल के पुडुचेरी इनक्लेव का हिस्सा है। पश्चिमी घाट एक लगभग सतत पहाड़ी दीवार का निर्माण करते हैं। पलक्कड़ के पास को छोड़कर यहाँ एक प्राकृतिक पहाड़ी दर्रा है जिसे पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। इडुक्की जिला केरल का सबसे बड़ा जिला है। अभी केरल के जिले के कुछ झलक देख लेते हैं। गठन के समय केरल के सिर्फ 5 जिले थे, मलाबार, त्रिशूर, कट्टायम, कलम और त्रिवेंद्रपुरम। 1 जनवरी 1957 को मलाबार जिले के कुन्नूर, कोझिकोड और पलक्कड़ जिले के नए जिले में विभाजित किया गया, जिससे कुल मिलाकर 7 जिले हो गए। अलपुजा जिले को 17 अगस्त 1957 को तत्कालीन कट्टायम और कलम जिले से अलग करके 8वां जिला बनाया गया था। एर्नाकुलम जिले का गठन 1 अप्रैल 1958 को 9वें जिले के रूप में किया गया था, जो तत्कालीन त्रिशूर और कट्टायम जिले का कुछ हिस्से बन गया था। मलप्पुरम जिले का गठन 16 जून 1970 को 10वां जिले के रूप में किया गया था, जिससे तत्कालीन कोझिकोड जिले के एर्नाड और त्रिशूर तालुक, पेरिन्थमन्ना और पलक्कड़ जिले के पोन्नानी तालुक शामिल थे। इडुक्की जिले का गठन 26 जनवरी 1972 को 11वें जिले के रूप में किया गया था, जिसमें तत्कालीन कट्टायम जिले के देविकुलम, उदुम्बनचला और पेरिमेडु तालुक और पूर्वीवर्ती एर्नाकुलम जिले का थोड़ी पूजा तालुक शामिल थे। वायनाड जिला का गठन 1 नवंबर 1980 को कोझिकोड और कन्नूर जिले से अलग करके केरल के 12वां जिले का रूप किया गया था। पथनमथिट्टा जिले का गठन 1 नवंबर 1982 को पूरी पथनमथिट्टा तालुक और कन्नाथुर तालुक को 9 गांव को अलग करके 13वें जिले के रूप में किया गया था। कोल्लम जिला संपूर्ण तिरुवल्ला तालुक और अलापुजा जिले के चेंगनूर और मल्लेबिक्करा तालुक का कुछ हिस्सा था और इडुक्की जिले के कुछ हिस्सा था। केसरगोड जिले का गठन 24 मई 1984 को तत्कालीन कन्नूर जिले के एक बड़े हिस्से को अलग करके 14वें जिले का रूप में किया गया था। नाउ कम टू द पॉइंट, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसे स्क्रूटिनाइज करेंगे, हो सकता है अल्फाबेटिकली या पॉपुलेशन के आधार पर या तो एरिया बेसिस से, लेकिन यहाँ हम लोग किए हैं लोकेशन के आधार पर। लोकेशन मतलब जिसे मैप में दिखाया गया है, हम लोग टॉप से बॉटम तक बाय रोड या बाइक से या कार से अगर मूवमेंट करेंगे हर एक जिले को टच करके, जैसे कि केसरगोड से शुरू करके कुन्नूर, वायनाड होके अंत में त्रिवेंद्रपुरम तक जाएंगे। पहला आएंगे केसरगढ़, हेडक्वार्टर है केसरगढ़। नेक्स्ट कन्नूर, हेडक्वार्टर है कन्नूर। नेक्स्ट वायनाड, हेडक्वार्टर कालपेट्टा। नेक्स्ट कोझिकोड, हेडक्वार्टर कोझिकोड। नेक्स्ट मलप्पुरम, हेडक्वार्टर मलप्पुरम। नेक्स्ट पलक्कड़, हेडक्वार्टर पलक्कड़। नेक्स्ट त्रिशूर, हेडक्वार्टर त्रिशूर।
नेक्स्ट एर्नाकुलम हेडक्वार्टर एर्नाकुलम। नेक्स्ट इडुक्की हेडक्वार्टर पेनाभू। नेक्स्ट कोट्टायम हेडक्वार्टर कोट्टायम। नेक्स्ट अल्लापुजा हेडक्वार्टर एट अल्लापुजा। नेक्स्ट पथनमथिट्टा हेडक्वार्टर एट पथनमथिट्टा। नेक्स्ट कोल्लम हेडक्वार्टर एट कोल्लम। लास्ट वन इज त्रिवेंद्रपुरम हेडक्वार्टर एट त्रिवेंद्रपुरम। इसी तरह द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 14। इसके साथ ही आज की ये डिस्कशन यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।